हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो यार वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, या फिर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग कह लो। क्यों? क्योंकि भैया पहले ट्रेनिंग की जाती है, फिर वो जो ट्रेंड मॉडल है उसके ऊपर टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो अभी इसे मैं समझाने वाला हूँ एक जनरलाइज्ड मॉडल के साथ कि भैया एक्चुअल में ये दोनों फेज इंप्लीमेंट किस तरीके से किए जाते हैं, क्या क्या वो रूल्स हैं, क्या क्या वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है, और उसके बाद फिर आपकी ये जो दोनों प्रोसेस है वो कंप्लीट होते हैं बराबर, और इनका आउटपुट क्या क्या होता है वो भी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक जानना इंपॉर्टेंट है कि पहले ट्रेनिंग होता है और फिर उसके बाद जो ट्रेंड मॉडल है उसके ऊपर टेस्टिंग किया जाता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग एंड देन इट इज गेटिंग फॉलोड बाय द टेस्टिंग फेज। ओके, तो अभी सबसे पहले तो आपके पास डेटा होना चाहिए ट्रेन करने के लिए, करेक्ट है कि नहीं? इसीलिए हम लोगों की आजकल की मांग क्या है कि जितना ज्यादा डेटा होगा, जितना अच्छा डेटा होगा, जितना एक्यूरेट डेटा होगा, जितना प्रिसाइज डेटा होगा, उतना अच्छा आपका मॉडल बन के तैयार होगा। इसीलिए डेटा की आजकल इतनी मांग है। तो अभी ये समझ लो मेरा डेटा है काफी छोटा डेटा है, रियल लाइफ एग्जांपल के हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। ओके, इट्स नॉट इवन 0.0001%, कुछ भी नहीं है, बहुत ही छोटा डेटा है। तो इसमें मैंने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात एट्रीब्यूट वाला एकदम छोटा सा डेटा सैंपल मैंने आपके सामने रखा हुआ है। समझ लो इसके अंदर कुछ तो भरा हुआ है, कुछ तो डेटा भरा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, इट्स नॉट द केस दैट वी हैव टू डिस्कस हियर। ओके, सो दिस इज अ फील्ड डेटा समझ लो, और इसमें कितने एट्रीब्यूट्स है भैया, 7 एट्रीब्यूट्स है। अब मैंने किया क्या, मेरा पहला स्टेप क्या है, बिफोर गिविंग दिस डेटा टू द ट्रेनिंग फेज मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो टारगेट एट्रीब्यूट इनिशियलाइज कर लेता हूं। टारगेट एट्रीब्यूट मतलब क्या, कि यहां पे मैं किसी इन 7 एट्रीब्यूट्स में से किसी एक एट्रीब्यूट को एज अ टारगेट एट्रीब्यूट डिक्लेयर करूंगा, किसी एक एट्रीब्यूट को एज अ टारगेट एट्रीब्यूट डिक्लेयर करूंगा। तो अभी इन 7 में से जो लास्ट वाला है एट्रीब्यूट उसको मैंने बोल दिया कि भैया ये मेरा टारगेट एट्रीब्यूट होने वाला है। ठीक है, तो चलो भैया टारगेट एट्रीब्यूट भी तय हो गया, उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, इस पूरे डेटा को डिवाइड कर देना है इंटू टू पार्ट्स। क्या किया मैंने, इस पूरे डेटा को मैंने सिंपली कर दिया डिवाइड इंटू टू पार्ट्स बराबर। अब डिवाइड भी कुछ इस तरीके से किया है, तो चलो उसका नामकरण भी कर देते ताकि ईजी हो जाए याद रखना। तो मैंने क्या किया, ये वाला जो पार्ट है इसे एक्स बोल दो, और ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाले का उसको एक्स डैश बोल दो। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाला जो पार्ट है जो मैंने डिवाइड किया है उसमें जो नॉन टारगेट एट्रीब्यूट्स वाला पार्ट है उसे मैंने नाम दे दिया एक्स बराबर, उसे एक्स दे दिया, और जो टारगेट एट्रीब्यूट वाला पार्ट है ऊपर का उसे मैंने एक्स डैश बोल दिया। ठीक है, उसी तरीके से जो नीचे वाला नॉन टारगेट एट्रीब्यूट वाला पार्ट है उसको मैंने वाई बोल दिया, और जो नीचे वाला टारगेट एट्रीब्यूट वाला पार्ट है उसे मैंने वाई डैश बोल दिया। सिंपल, यहां तक फंडा क्लियर होगा क्या किया है। अभी इसके बाद क्या, ओके, तो ये हमारा एक बेस मटेरियल तैयार हो चुका है फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। ठीक है, अब होता क्या है कि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है एक्स, मतलब क्या कि ये जो पूरा पार्ट है एक्स, जो नॉन टारगेट एट्रीब्यूट वाला एक्स है, और ये जो मेरा एक्स डैश है, ये दोनों के दोनों मैं किसे देता हूं, ट्रेनिंग फेज को देता हूं। क्या करता हूं मैं, ये वाला एक पार्ट, ये वाला एक पार्ट, इन दोनों को मैं देता हूं ट्रेनिंग फेज में। किसे देता हूं, ट्रेनिंग फेज में देता हूं। एक बार इसको मैंने ट्रेनिंग फेज में दे दिया तो इसका आउटपुट क्या जनरेट होता है, मॉडल जनरेट होता है। इसका आउटपुट क्या होता है, एक मॉडल जनरेट होता है। अब ये मॉडल जनरेट कैसे होता है वो भी देखते हैं। सी, इसे आप एज अ क्वेश्चन आंसर की तरह देख सकते हो। कैसे देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर की तरह, जैसे कि एक स्टूडेंट सामने बैठा हुआ है, ओके, और टीचर उसमें डेटा फीड कर रही है। मोस्टली टीचर स्टूडेंट के दिमाग में डेटा कैसे फीड करती है कि अगर ये क्वेश्चन है तो ये आंसर है, ये क्वेश्चन है तो ये आंसर है, ये क्वेश्चन है तो ये आंसर है, बराबर है कि नहीं? उसी तरीके से जो स्टूडेंट के दिमाग में वैसे उसके डेटा जाता है, और उसी तरीके से वो मॉडल होता है बराबर, उसी तरीके से प्रोसेस होता है, और वो एक स्टूडेंट एज अ मॉडल बिल्ड होता है। उसी तरीके से यहां पे भी हो रहा है। तो आप कैसे देख सकते हो, यहां पे कुछ रोज होंगी बराबर, कुछ ऐसी रोज होंगी बराबर, ऐसी रोज होंगी कुछ जिन्हें हम टपल्स भी कहते हैं। तो क्या होगा, दिस इज नथिंग बट वन क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का आंसर यहां पे इस सेल में होगा ऑफ द टारगेट एट्रीब्यूट। एक और क्वेश्चन उसका आंसर, एक और क्वेश्चन उसका आंसर, एक और क्वेश्चन उसका आंसर, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ उन आंसर्स को भी उसे दे रहे हैं फॉर ट्रेनिंग दैट पर्टिकुलर मॉडल। मतलब अगर कुछ ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स आते हैं, जैसे कि इसमें वैल्यूज होंगी कुछ फर्स्ट रो में, अगर ऐसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स की कुछ वैल्यूज होती हैं तो उनका पर्टिकुलरली उनका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए। इस तरीके से वी आर ट्राइंग टू ट्रेन द मॉडल। ठीक है, अब ऐसा अगर हमारा मॉडल तैयार हो गया उसके बाद क्या करना है भैया, तो अभी ट्रेनिंग फेज कंप्लीट हो गया, तो ट्रेनिंग फेज में हमने क्या दिया, ट्रेनिंग फेज में हमने ये वाला डेटा दिया। कौन सा वाला डेटा, एक्स और एक्स डैश,
बराबर x दिया और x डैश दिया, ठीक है। अब ये देने के बाद इसके आगे हमारा जो ट्रेनिंग फेज ने आउटपुट दिया, वो ट्रेनिंग फेज ने आउटपुट क्या दिया, m, दैट इज अ मॉडल। अब इस मॉडल को हम कुछ इनपुट देने वाले हैं जो कि हमारे टेस्टिंग फेज में काम आने वाला है। तो हम लोग टेस्टिंग किसके ऊपर करेंगे, मॉडल के ऊपर, कि भैया जो मॉडल डिजाइन हुआ है, जो मॉडल जो है डिजाइन हुआ है, वो मॉडल कितना एक्यूरेट है, उसमें कितने एरर्स आ रहे हैं, उसकी एरर मार्जिन कितनी है। तो ये सारी चीजें जब हम लोगों को चेक करनी होती है, इवैल्यूएट करना होता है एक तरीके से जब हमारे मॉडल को, तो हम लोग टेस्टिंग फेज यूज करते हैं। तो टेस्टिंग में कौन सा डेटा यूज किया जाए, तो ये बचा हुआ है ना मेरे भाई, ये वाई, तो ये जो पूरा का पूरा वाई है, बराबर, तो ये जो पूरा का पूरा वाई है, ये हम लोग क्या करते हैं, इसे देते हैं मॉडल को, बराबर, इसे मॉडल को देते हैं। और ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट करता है मॉडल, सो सम सेट ऑफ आउटपुट इज गेटिंग जनरेटेड। फॉर एग्जाम्पल ये जो y डैश है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। ये y डैश है, बराबर, अभी मान लो कि ये जो y डैश है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये जो एरिया है, इसमें कुछ ऐसी एंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल 30, 20, 10 एंड 5, बराबर, कुछ ऐसी एंट्रीज है। तो इसे हम लोग बोलेंगे, इन एंट्रीज को बोलेंगे कि भैया ये एक्चुअल डेटा है, ये क्या है, एक्चुअल डेटा। और ये जो आउटपुट जनरेट करता है, ये जो मॉडल जो है, इन पर्टिकुलर इनपुट टपल्स के लिए जो आउटपुट जनरेट करता है, उसे हम लोग कहेंगे प्रिडिक्टेड डेटा, प्रिडिक्टेड डेटा। तो ये कैसा हो सकता है, अगर ये ऐसा आता है, फॉर एग्जांपल ये ऐसा आ गया, ठीक है, ये ऐसा आ गया, बराबर, तो हुआ क्या, अभी देखना, गौर से देखना क्या हुआ है। तो अगर, वैसे तो ये बहुत ही आइडल केस है, बहुत ही ज्यादा आइडल केस है, कि हमने एक पर्टिकुलर y दिया मॉडल को, सिर्फ y दिया, y डैश नहीं दिया, y डैश वी हैव नॉट गिवन, y डैश हमने रखा हुआ है चेकिंग के लिए, y डैश हमने किसके लिए रखा हुआ है, चेकिंग के लिए। तो सिर्फ y दिया मॉडल को, मॉडल ने जनरेट किया आउटपुट, और ये हुआ मेरा प्रिडिक्टेड आउटपुट, और ये मेरा एक्चुअल आउटपुट है, बराबर, दिस इज एक्चुअल, दीज आर द एक्चुअल वैल्यूज एंड दिस इज द प्रिडिक्टेड वन, सो दिस इज एक्चुअल, दिस इज अ प्रिडिक्टेड। फिर हम लोग क्या करते हैं, इनको मैच करके देखते हैं, इनको मैच करके देखते हैं, और अगर वो मैच होते हैं तो उससे हम लोग जो रिजल्ट निकालते हैं, उससे जो हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं, वो ये होता है कि भैया ये जो मॉडल है, ये जो मॉडल तैयार हुआ है, ये कितना एक्यूरेट है। अगर उसका ऐसा रिजल्ट आ रहा है, तो उसे आप कह सकते हो भैया ये 100% एक्यूरेट है, बिकॉज एक भी वैल्यू इधर की उधर नहीं हुई है, सारी वैल्यूज प्रिसाइजली जैसे एक्चुअल आउटपुट है, वैसे ही प्रिडिक्टेड है। सो व्हेन एक्चुअल इज इक्वल टू प्रिडिक्टेड, तो हम लोग कह सकते हैं मॉडल इज 100% एक्यूरेट। लेकिन जब आपके कुछ एरर्स इंड्यूस हो जाते हैं, जब आपकी यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, यहाँ की जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं, वो इससे मेल नहीं खाती, थोड़ी सी अलग है, एक दो से 50 सौ से अगर वैल्यूज थोड़ी इधर उधर हिली हुई है, थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है, थोड़ी सी फ्लक्चुएटेड वैल्यूज आ रही है, तो कहना पड़ेगा ये आपका मॉडल 100% तो एक्यूरेट है नहीं, प्लस उसमें कुछ एरर भी है, कुछ एरर मार्जिन है। रिमेंबर, जितना ज्यादा आपके ये जो प्रिडिक्टेड और एक्चुअल आउटपुट में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, उतना बड़ा एरर मार्जिन आपका इस फॉर दिस पर्टिकुलर मॉडल विल एग्जिस्ट, और उतना ही कम आपकी एक्यूरेसी होती जाएगी। तो हो क्या रहा है, जितना ज्यादा डिफरेंस आपका इन प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल में बढ़ता जाएगा, एरर मार्जिन बढ़ती जाएगी, एक्यूरेसी कम होती जाएगी, और फिर ये आपका मॉडल उसी तरीके से कैरेक्टराइज्ड होगा। इसीलिए हम लोग किसी मॉडल को बोलते हैं ना, हाँ ये जो मॉडल है ये बहुत ही एक्यूरेट है, ये मॉडल की एरर मार्जिन बहुत कम है। तो वो बेस्ड ऑन दिस टेस्टिंग होता है कि भैया ये वाई डैश और आपका जो आउटपुट है ऑफ द मॉडल कंपेयर किया जाता है। इस तरीके से आपका पूरा ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग फेज होता है। एक सम अप कर देता हूं इस वीडियो को मैं, जो मैंने अभी तक बताया था। हमने क्या किया, पहले हमारा डेटा था, कुछ एट्रीब्यूट्स थे, तो मैंने क्या किया, एक एट्रीब्यूट को एज अ टारगेट एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या किया, उस पूरे डेटा को टू हाफ्स में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो नॉन टारगेट वाला था, नॉन टारगेट एट्रीब्यूट ऊपर वाला पार्ट, उसे एक्स बोला, और जो टारगेट वाला पार्ट था ऊपर वाला पार्ट, उसे एक्स डैश बोला। उसी तरीके से इस वाले पूरे पोर्शन को वाई और इस पूरे पोर्शन को वाई डैश बोला। फिर ट्रेनिंग फेज में क्या किया, ये दोनों जो थे उनको मैंने दिया फॉर बिल्डिंग अ मॉडल इन द ट्रेनिंग फेज। तो इन दोनों को यूज करके एज अ क्वेश्चन आंसर फेज, इन दोनों को यूज करके एक मॉडल तैयार हुआ। अब उस मॉडल को क्या किया, टेस्टिंग फेज में भेजा। एक तरीके से ये सवाल मैंने उसे दिए, ये सवाल उसे दिए, और एक्चुअल उन सवालों के जवाब हमारे पास पहले से प्रेजेंट थे इन द फॉर्म ऑफ वाई डैश। तो फिर उन सवालों का जो जवाब है, मॉडल ने इन दिस फॉर्म दिया, कुछ तो दिया होगा आउटपुट, उसे हम बोलेंगे भैया प्रिडिक्टेड आउटपुट, और ये एक्चुअल आउटपुट तो हमारे पास है ही। तो अगर एक्चुअल आउटपुट इज एक्जैक्टली इक्वल टू द प्रिडिक्टेड आउटपुट, तो हम लोग कह सकते हैं क्या यार, क्या मॉडल बनाया भाई, 100% एक्यूरेट मॉडल है। लेकिन
अगर कुछ भी फ्लक्चुएशंस होते हैं तो हम कहते हैं कि भैया इसमें एरर है। अगर उन दोनों के दोनों आउटपुट्स में डिफरेंस है तो हम लोग कहते हैं भैया एरर्स हैं आपके इस मॉडल में, एक्यूरेसी नहीं है, एरर मार्जिन ज्यादा है। दिस वॉज द कंक्लूजन दैट वी मेड आफ्टर द टेस्टिंग फेज। तो ये ट्रेनिंग क्या होता है, टेस्टिंग क्या होता है, कैसे होता है, क्या स्टेप्स है, क्या रूल्स है, ये टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है, वो सारी मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को जरूर 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 शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों तक, मेरी मदद उन तक पहुंचाइए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।